इंदौर के ही महू के पास जाम गेट के नज़दीक एक हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद खरगोन निवासी दो मृतक सुधीर गुजराती और उनकी पत्नी प्रीति का शव सुबह 6 बजे खाई से निकाला गया और ये शव करीब 1,500 फिट गहरी खाई में गिरा हुआ था, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ऊपर लाया। वहीं हादसे में जो युवती बच गई है उसका नाम दीपिका बताया जा रहा है। दीपिका की पहचान को लेकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं कि उसे गुजराती दंपत्ति के परिजन नहीं जानते हैं। इसके अलावा घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को इसे असामान्य घटना लग रही है और पुलिस इसे सामान्य घटना नहीं मान रही है और इसी के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रविवार रात करीब 7:30 बजे जाम गेट के करीब 350 मीटर दूर खाई में एक कार गिरी हुई थी। इस कार में खरगोन के सुधीर गुजराती और उनकी पत्नी प्रीति के साथ ही मंडलेश्वर में रहने वाली युवती दीपिका कुशवाहा बैठी हुई थी। दीपिका इस हादसे में बच गई है लेकिन दोनों पति पत्नी इस हादसे में नहीं बच पाए। दीपिका इस हादसे से इसलिए बच गई क्योंकि वो समय रहते कार से बाहर निकल गई थी। हादसे के बाद पहले तो पुलिस ने हादसे के शिकार हुए लोगों को खोजने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया और बाद में उनके शव को करीब 1,500 फिट की गहराई से ऊपर लाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में पूरी रात लग गई और आखिरकार सुबह 6 बजे के आसपास दोनों के शव ऊपर लाए जा सके और इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मध्य भारत अस्पताल लाया गया, जहां पर मृतकों के परिजन भी पहुंच गए थे। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये हादसा बहुत ही अजीब है क्योंकि जहां पर सुधीर ने अपनी गाड़ी पार्क की थी वो जगह खाई से केवल 2 या 3 फीट दूर थी, तो ये सोचने वाली बात है कि कोई भी खाई के इतने करीब गाड़ी पार्क क्यों करेगा। वहीं जो युवती हादसे में बच गई है वो पुलिस को बयान दे रही है कि वो तीनों गाड़ी के बाहर खाना खाने के लिए बैठे थे। इसके बाद सुधीर ने वहाँ पर शराब भी पी और पुलिस को मौके से वहाँ पर एक शुगर की दवाई का रेपर मिला है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सुधीर को शुगर की बीमारी भी थी। युवती ने यह भी बताया कि खाना खाने के बाद जब वो वहाँ से निकल रहे थे तब दोनों पति पत्नी आगे बैठे थे और वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। तभी सुधीर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि प्रीति गई गाड़ी खाई में। ये सुनकर दीपिका तुरंत ही गाड़ी से बाहर कूद गई और किसी तरह से मशक्कत कर ऊपर आई और सड़क के करीब 100 मीटर दूरी पर एक चाय की दुकान पर पहुंची और वहां लोगों को इस हादसे के बारे में बताया। तब जाकर कहीं लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने यह भी बताया कि दीपिका के पिता महेश्वर से महू आए और इंदौर के जिला अस्पताल में दीपिका को भेजा गया था। वहां से उसी किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और उसके पिता उसे आकर महेश्वर वापस ले गए थे। दीपिका ने यह भी बताया कि सुधीर के परिजन उसे नहीं जानते हैं, वो महेश्वर के निकुंज विहार कॉलोनी में रहती है और 26 साल की है। दीपिका के पिता सुरेश कुशवाहा की दोस्ती सुधीर की पत्नी प्रीति से फेसबुक के जरिए करीब 2 साल पहले हुई थी। दीपिका एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है और गुजराती परिवार खरगोन में एक जाना पहचाना नाम है। पुलिस को दिए गए दीपिका के बयान के मुताबिक उसे सुबह प्रीति का फोन आया, उन्होंने उसे खरगोन आने को कहा और वहां से वो सभी महेश्वर घूमने के लिए निकले थे और महेश्वर जाने के बाद उनका जाम गेट आने का प्लान बना, जिसके बाद वो करीब 7:30 बजे यहाँ पहुंचे। पुलिस ने दीपिका को अब तक जो भी बताया है उसके आधार पर घटना कैसे हुई है ये बात तो कुछ हद तक साफ दिखाई दे रही है, लेकिन कार में बैठे तीनों लोगों का व्यवहार अभी भी पुलिस की नज़र में संदेह के घेरे में बताया जा रहा है। कुछ सवाल है जो इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, वो ये है कि सुधीर की पत्नी और युवती के साथ जहां बैठे थे वो लोग अमूमन ऐसी जगह पर नहीं बैठते हैं क्योंकि वो स्थान खाई से महज कुछ ही दूरी पर था। वहीं सुधीर ने अपनी कार खाई से इतनी दूरी पर ही क्यों खड़ी की ये बात बहुत ही असामान्य है। वहीं सुधीर ने गाड़ी को रिवर्स करने की बजाय गाड़ी आगे कैसे बढ़ा दी जबकि वो काफ़ी समय से कार ड्राइविंग करते आ रहे थे। और सुधीर जैसे समृद्ध व्यवसायी के लिए दीपिका से फेसबुक पर हुई दोस्ती इतनी ज़रूरी कैसे हो गई कि उन्होंने दीपिका को घूमने के लिए बुलाया और अपनी पत्नी के साथ वो घूमने गए। वहीं सुधीर के परिजनों ने दीपिका को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला पुलिस के लिए एक गुत्थी की तरह उलझा हुआ नजर आ रहा है और पुलिस इसे सुलझाने में लगी हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।